एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहें। और गाइस आज भी बनाऊंगी एक प्रिंटेड फ्रॉक डिजाइन। तो गाइस ये मैं टू कलर्स कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ, ब्लैक विद येलो कलर, जो कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लेटेस्ट रहता है फ्रॉक्स के वगैरह के लिए, और प्रिंटेड जो भी चीज़ों के जो भी ड्रेसेस रहते हैं उसके लिए अच्छा लगता है। तो गाइस बने रहें वीडियो में, वीडियो डिजाइन अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस देखते रहिए कि अभी मैंने फर्स्ट में इसको क्या किया था कि स्केच से इसका ड्रॉ किया था, क्योंकि आज हमारे पास पेंसिल ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हुई थी, ख़राब हो गई है। सो मैंने उसको मतलब थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की तो वो पूरा ही पूरा टूट गया। तो मैंने सोचा कि इसको स्केच से ही करूँ। तो गाइस इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका जो ड्रॉ है, जो इसका शेप बनाया मैंने, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एकदम में सेम नहीं है वैसा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा हैवी लुक में बनाना है। तो ये मीडियम बेबी का फ्रॉक है, जिस तरीके से बड़ों का भी बना सकते हैं, छोटों का भी बना सकते हैं। तो ये मीडियम साइज़ का है जो कि 10 ईयर्स के बेबीज तक के लिए चलेगा। तो मैंने इसको फर्स्ट स्केच से इसका जो प्रिंट किया है वो किया है, क्योंकि राउंडली मुझे प्रिंट अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि एक शेयर करूँ मैं राउंडली प्रिंट में फ्रॉक डिजाइन। तो गाइस बने रहें वीडियो में और देखते रहें कि मैंने इसको स्केच से किया है फर्स्ट, फिर उसके बाद मैंने क्या करूँगी इसको कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसका जो आउटलाइन है इसका ब्लैक से करूँगी पूरा। तो देखिएगा इस मैंने ब्लैक से स्टार्ट किया है, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अब ये थोड़ा सा हाफली हो गया है, तो अब इसको मैं जो आउटलाइन है जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मैं ब्लैक से करूँगी। तो आप देखते रहिएगा इसके इसको ब्लैक से हम किस तरीके से कर रहे हैं, स्केच से कर रही हूँ, क्योंकि पेंटिंग से हर चीज़ नहीं हो सकती है। जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्लेसेस रहती हैं वहाँ पर हम स्केच यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं पक्के वो तो हम बनाते हैं, उससे पूरी तरह से पेंट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिंटेड चीज़ों को बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, जो स्मॉल प्लेसेस रहती है, उसको हम ना हमेशा स्केच से ही करते हैं। तो आउटलाइन मैंने इसको ब्लैक से किया है, और ऊपर का जो आउटलाइन है जो ब्लैक से, तो थोड़ा सा येलो से किया है, शेड थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। और ये लाइट वेट में मैंने येलो कलर को शो किया है, क्योंकि एकदम डार्क नहीं किया है, और ये काफ़ी लेटेस्ट कलर रहता है, जो पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस इसको मैंने टू कलर कॉम्बिनेशन में बनाया था। तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि हर इंसान की चॉइस अलग अलग होती है। तो गाइस मुझे अच्छा लगा ये प्रिंट करना, तो मैंने इसको चूज किया इस कलर को, और अच्छा लगा मुझे। और ये अगर ये कपड़े पर होता और क्लॉथ होता पूरा, और ये पूरा का पूरा फ्रॉक बना होता और कोई बच्ची पहनती, तो ये कलर वाइट एंड ब्लैक दोनों ही कलर पर अच्छा लगता। तो गाइस देखते रहिए कि मतलब किस टाइप का आपको लगता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।